दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू हैप्पी पेट चैनल। दोस्तों आज मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आपके साथ थोड़ा बहुत टिप्स शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा मेन एम जो है, जितना भी पेट पेरेंट्स हैं इंडिया में या अब्रॉड में, सबको कुछ वैल्यूएबल टिप्स मेरा वीडियोस के माध्यम से सबको दे, सो दैट दे कैन बेनिफिट देमसेल्व्स ड्यूरिंग देयर पेट पेरेंटिंग एपिसोड्स। अगर कोई अनफॉर्चुनेट एपिसोड्स होता है तो उसके अंदर कैसे हम उसको देखभाल कर सकते हैं। और अगर ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स के बारे में अगर मैं बात करता हूं, तो डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, एक्सीडेंट्स एंड लॉट ऑफ लॉस ऑफ पेट लाइफ्स हैज हैपेंड, एवरी डे इज हैपेंस। इसके लिए जो विदेश है वहां पे, ज्यादातर इंडिया में अभी आया हुआ है लेकिन उससे पहले नहीं था, तो विदेश में क्या होता है कि पेट का इंश्योरेंस होता है। तो दोस्तों आप क्या जानते हो, इंडिया में भी पेट इंश्योरेंस इज अवेलेबल राइट नाउ। स्टार्टिंग 2018 ऑनवर्ड्स इंडिया में इंश्योरेंस पॉलिसी हो रहा है अभी पेट के लिए, एंड दैट इज अ वेरी ग्रेट न्यूज। तो दोस्तों मैं आपको ये पेट इंश्योरेंस के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। वैसे तो ये इंश्योरेंस जो सब्जेक्ट है ये बहुत वास्ट है और आई एम नॉट अ इंश्योरेंस एडवाइजर, लेकिन पेट इंश्योरेंस में क्या क्या हो सकता है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत टिप्स देना चाहता हूं। पहले मैं आता हूं कि पेट इंश्योरेंस अगर आप करते हो तो उसका एंट्री एज क्या होना चाहिए। सो दोस्तों ज्यादातर एंट्री एज जो है वो 3 मंथ से 4 साल तक है, मतलब 90 डेज का पपी जब हो जाएगा तब आप उसका पेट इंश्योरेंस करा सकते हो, और ये आप करा सकते हो अप टू 4 साल तक। तो ये है इसका एंट्री एज। एग्जिट एज क्या है, एंट्री एज को हमको पता चल गया। एग्जिट एज जो है, एग्जिट एज है 10 साल, जो स्मॉल मीडियम और लार्ज ब्रीड के लिए है। तो एंट्री एग्जिट डेज आपको पता चल गया है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एंट्री एग्जिट डेज होने के बाद हम लोग का इंश्योरेंस, जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है, उसमें एक वेटिंग पीरियड रहता है, उसको कैपिंग पीरियड बोलते हैं। ज्यादातर पीरियड ऑफ सर्जरी एक्सपेंसेस कवर या हॉस्पिटलाइजेशन कवर, मॉर्टलिटी बेनिफिट, टर्मिनल डिजीज कवर, ये सब जो है ये 30 डेज से चालू हो जाता है। और एक चीज है जो पेट थेफ्ट रिलेटेड जो क्लॉज है वो चालू होता है 90 डेज से। तो मोरलेस दिस इज अ वेटिंग पीरियड या कैपिंग। अभी आपको कैसे ये इंश्योरेंस करना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूं। इसके लिए एक साइन डॉक्यूमेंट्स होता है जिसके अंदर पूरा इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा, कलर फोटोग्राफ्स ऑफ योर पेट, और उसका एक RFID टैग होना पड़ेगा। ज्यादातर जो केनल क्लब्स में रजिस्टर्ड पेट्स हैं उनके पास RFID टैग्स होता है और दैट इज वेरी यूनिक, तो वो आपको देना पड़ेगा। जितना भी डायग्नोस्टिक टेस्ट प्री हेल्थ चेकअप के अंदर वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, सेल्फ डिक्लेरेशन के आपने पूरा वैक्सीनेशन किया है, एंड होल लॉट ऑफ वैक्सीन रिकॉर्ड फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स इज नेसेसरी। और अगर ये 90 डेज का है तो इनिशियल वैक्सीन जो हुआ है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। और अगर आपको पेडिग्री सर्टिफिकेट है, मतलब जो ब्रीडर से आपने लिया है उसका सायर डैम्स, ये जो थर्ड जेनरेशन फर्स्ट जेनरेशन जो पेडिग्री सर्टिफिकेट्स होता है, जो ओवरऑल फैमिली ट्री होता है, उसका सर्टिफिकेट्स भी आपको इसके साथ प्रोवाइड करना पड़ेगा फॉर इंश्योरेंस। अभी आपको और कुछ चीज मैं बताना चाहता हूं, कुछ कुछ इंक्लूशंस हैं इसमें जिसमें आपको ये कवरेज नहीं मिलेगा। जैसे कोई प्रिवेंटिव मेडिसिन या वैक्सीनेशन अगर आपने आपका पेट को नहीं दिया है और उसके कारण उस टाइप का, जैसे डिस्टेंपर हो या पार्वो हो, इस टाइप का कोई अगर डिजीज हो जाता है तो दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंश्योरेंस। दूसरा है जो फीमेल डॉग का प्रेगनेंसी है और जो पपीज बाथ का जो एपिसोड्स है दैट इज नॉट कवर्ड। ऑल्सो एक्सपेरिमेंटल कोई प्रोसीड्यूर आप करना चाहते हो,
ज्यादातर मैं आपको बता देता हूं कि क्लिपिंग ऑफ एयर जो डोवरमैन्स और इस टाइप का गार्ड डॉग्स का होता है, वैसे तो ये प्रोहिबिटिव है अंदर एनिमल लॉ, फिर भी अगर ये सब अगर आप करना चाहते हो तो ये नहीं होगा, जो पेट इंश्योरेंस में कवर अप नहीं हो पाएगा। एंड चौथा जो है जो डेंटल प्रोसीड्यूर्स होता है, ज्यादातर ह्यूमन डेंटल प्रोसीड्यूर्स इज ऑल्सो नॉट अंडर कवरेज ऑफ पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कवर नहीं होता है। बट अगर कोई एक्सीडेंट के कारण से कोई डेंटल प्रॉब्लम आ गया है तब ये एप्लीकेबल होगा। अभी और दो तीन चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या क्या कवरेज मिलता है। इसमें मॉर्टलिटी कवरेज मिलता है, टर्मिनल डिजीज कवरेज मिलता है, फिर लॉन्ग टर्म का कवरेज मिलता है, ओपीडी कवरेज मिलता है, थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर मिलता है एंड थेफ्ट कवर मिलता है। ये तो बहुत सारा चीज हो गया जो मैं आपको एक वीडियोज में डिस्कस नहीं करना चाहता हूं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप गूगल में जाइए और पेट इंश्योरेंस पॉलिसी इन इंडिया बोल के जाइए, वहां पे क्वान बोल के एक पेज होगा, वो क्वान पेज में आपको ये पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन इतना सारा कवरेज के अंदर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कवरेज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट इज थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर। देखिए दोस्तों, कभी कभी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स के अंदर क्या हो जाता है, मेरा डॉग कहीं जाके किसी को काट लेता है और वो समटाइम्स मे बी भगवान ना करे कि वो लाइफ थ्रेटनिंग वाला हो जाए और उसको डेथ हो जाए, वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट अगर मैं बताता हूं, तब जाके बहुत सारा लीगल ऑब्लिगेशन एज ए पेट पेरेंट्स आपके ऊपर आ जाएगा। तो ये थर्ड पार्टी लायबिलिटी जो है ये उसको कवरअप करता है, शील्ड करता है। तो दोस्तों दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड अ इंटरेस्टिंग पॉलिसी फॉर योर पेट। मैं आपको बताऊंगा कि आप गूगल में जाइए, पेट इंश्योरेंस इन इंडिया में जाइए, उसको सर्च कीजिए गूगल में और क्वान बोल के एक पेज है उसमें आप क्लिक कीजिए। ये क्वान जो है इसका मैं वेबसाइट एड्रेस आपको बताता हूं, qian.co.in qian.co.in। इसमें जाके आपको पेट इंश्योरेंस वाला एक ओवरऑल स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। सो दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका पेट जो है अगर वो 90 डेज से 4 साल के अंदर है तो प्लीज प्लीज गो फॉर अ पेट पॉलिसी। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल, कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग अस। थैंक यू सो मच।